तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्विक कर्सर एप्लीकेशन के बारे में। एक एप्लीकेशन ऐसा है मतलब जिसके काफ़ी सारे स्मार्टफोन ऐसे आते हैं कि मतलब हम ऐसे A1 हैंड से हैंडल नहीं कर सकते, तो काफ़ी बार मतलब प्रॉब्लम्स होती है कि जब मतलब अगर एक हैंड से अगर आप हमें स्मार्टफोन पकड़ना हो और उसे यूज़ करना हो तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, तो उसे कैसे मतलब उसे ईजी कर सकते हैं और यूज़ करना। तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का नाम है क्विक कर्सर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसकी लिंक मैंने पिन कमेंट्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने को जिस तरीके से इंटरफेस होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जिप जोन पोर्ट्रेट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके हेल्प से। आप एक सेकंड में यहाँ पर इसे पोर्ट्रेट कर लेते हो, ओके सॉरी। तो इसे स्वाइप मोड, यहाँ पर आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर किस तरीके से। आप इसे यहाँ पर स्वाइप मोड ही रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना कि आपको क्विक कर्सर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको कर्सर की जो पोजीशन है वो आपको सेट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ठीक से दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ब्लू कलर में एक ऑप्शन आता है, तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ बाद में। तो मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं दिख सकता, तो इसे बैक कर लेता हूँ। और ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक सेकेंड, तो इस तरीके से आप कर्सर आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसे वन हैंड में जो स्मार्टफोन उसे होल्ड करूँगा, तो अगर मुझे किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा या फिर अगर इसे यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ पर साउंड आईडी या फिर अगर मुझे मान लीजिए इस एप्लीकेशन को ओपन करना है क्विक कर्सर, उसके ऊपर मैं डबल टैप करूँगा और इस तरीके से, और यहाँ पर मैं बैक लेता हूँ, ओके ठीक है। इससे मतलब जो काफ़ी मतलब बड़े स्मार्टफोन होते हैं उसे यूज़ करना ईजी हो जाता है, आप उसे वन हैंडली यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और डाउनलोड करने की जो लिंक है पिन कमेंट में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।